समझ पाओ ना अब तो चले चले ऐसे क्या हो गया अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। मैं हूं मेहरान और आज मेरे साथ सुहेल भाई मौजूद हैं जो इस रेस्टोरेंट के ऑनर हैं। सुहेल भाई, मैं चाहूंगा कि आप जरा हमारे ऑडियंस को इस रेस्टोरेंट के बारे में बताएं। बहुत शुक्रिया मेहरान भाई। हमारा ये रेस्टोरेंट दी स्टेशन के नाम से कैंट कराची कैंट स्टेशन पे वाके है और इसको हमने जो है वो ट्रेन की तर्ज पे बनाया है। यहाँ पे आउटडोर सिटिंग भी है, इंडोर सिटिंग भी है और फैमिलीज के लिए जो है वो प्राइवेसी रूम्स भी बनाए ताकि फैमिलीज इजीली अपनी बिल्कुल खाना वगैरह एंजॉय कर सकें और प्राइवेसी में जो है वो बैठ के अपने ये सारे मामला। बिल्कुल, जैसे हम यहाँ बैठे हुए ये बिल्कुल प्राइवेट एक जगह है, इसका मतलब डोर है वो क्लोज भी हो सकता है। इसकी वजह से जो फैमिलीज हैं उनके लिए बहुत आसानी है, वो आके अपना एक अच्छा एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अपने टाइम को अच्छा इन्जॉय कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा जितने लोग हैं ज़रूर यहाँ पर विज़िट करें, ये बहुत ज़बरदस्त जगह है और बाहर और ये प्राइवेसी वाली चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो आप लोग विज़िट कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं क्योंकि उससे क्या होता है जो हम वीडियोज़ अपलोड करते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। फिर हम आपसे मिलते हैं वीडियो के बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। साहब कहें तुम लोग का जी सर, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मेरे इजाजत के बगैर यह मेन्यू लगाया हुआ है। सर आप बैठे, साहब कहें ऑर्डर नहीं, खाने नहीं आए। आप बैठे तो सही, खाने नहीं आए यहाँ पे। सर आप बैठे तो सही, हम आपका जल्दी बुलाओ, बुला लेते हैं, आप बैठे। देखो मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं गरीब लोगों से बात नहीं करता, मेरा उसूल है क्योंकि गरीबों से मेरे को प्यार है, मैं खुद गरीब हूँ। लेकिन ये जो साहब लोगों ने, इन लोगों ने खोला हुआ है ना इधर, मेरे को बिना पूछे लेके आओ। बाबू भाई के इजाजत के बगैर धंधा चला रहे ले। इनको नहीं मालूम है जगह बन गया, अभी इनका भी जब एक बार जब चलेगा ना अपना बुलडोजर तो खर्चा साला फिर किधर जाएगा देखे, फिर खर्चे का बत्ती बनेगा। देखते हैं अभी, आने दे मैं देखता हूँ आज। अस्सलाम उनसे नाम पूछ रहे ले। सर लाजमी सी बात है, ये एक लीगल जगह लीजिए और यहाँ पे जो भी काम हो रहा है लीगल वे में कंप्लीट जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करने के बाद किससे पूछ के खोले लाए, किससे पूछे? रेलवे साहब की परमिशन चलती है, उनसे परमिशन ली भी हमने। मेरी परमिशन ली सर, मैंने आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछा, आप कौन है? बाबू भाई नाम है मेरा। बाबू भाई मकसद किस डिपार्टमेंट से ताल्लुक है, कहां से? अपन किसी डिपार्टमेंट से नहीं साला, डिपार्टमेंट वाले अपन के पास आते हैं। जरा प्लीज पोलाइटली से, नरमी पोलाइटली क्यों? आप मेरी वालदा हो, बदतमीजी किस बात की है? बदतमीजी करो सर, आप प्लीज आराम, आप में हिम्मत है बदतमीजी करने की? जरा आराम से बात करिए, मास्क नीचे करें, ठीक है? मास्क नीचे कर, ये ले कर लिया मास्क नीचे। किससे पूछा है? जरा आराम से बात कीजिए। आराम से क्यों, मेरा ऑपरेशन हुआ है क्या? मुझे नहीं पता कि आपके साथ क्या हुआ, लेकिन तो आराम से क्यों बात करूं? पुर्जा जरूर ढीला है, तमीज से। अगर आपका पुर्जा सही है तो तमीज से बात कीजिए, तमीज से। मैं बहुत तमीज से आपके साथ काफी देर से बात कर रहा हूं, चल आप ऐसे ही मुझसे बात कीजिए। कैसे बात करूं? आप किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हैं? मुंह के अलावा आपके पास तरीका है समझ रखा हमको? बेवकूफी की बात ही नहीं है, किस अंदाज में बात कर रहे हैं? ये रेस्टोरेंट किसको पूछ के खोला है? हमारी बाकायदा इसकी परमिशन ली गई है, आपको किसी नौयत को ऑब्जेक्शन है आप अपनी आईडी मुझे दीजिए, उसके बाद आप किसी मौजू पे मुझसे बात। मेरा आईडी देखने के बाद तू अंधा हो जाएगा। कोई बात नहीं है, मैं आपको भी लफड़ा कर दूंगा। ये जो है ना भाई 49 कत्ल हो चुके हैं, ये आप सेंचुरी मेरा करवाएगा। मेरे भाई देखें, मैं ही आपकी ड्यूटी दे रहा हूँ, ठीक है? दो पेन क्यों लगाई इनको? जिस नौयत की इन्फॉर्मेशन चाहिए है, वो मैं इनको देने के लिए तैयार हूँ। कोई भी शख्स आकर हमसे पूछता है उसको देते हैं वो मालूम है भाई, मेरी बात। लेकिन ये जो इनका रवैया है, जो इनका स्टाइल है, ये तो प्यार से बात कर रहे हैं, हमारी नजरों में प्यार से बात कर रहे हैं, अभी तक बदतमीजी करते ही नहीं है। इसको इन्फॉर्मेशन, घबराहट, इसको इन्फॉर्मेशन दे हम लोग कौन है?
मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। किसी दिन भाई को मेरी बात पे गुस्सा आ गया, मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग तोड़ दी, लेकिन दिल के बहुत अच्छे बहुत ज्यादा खर्चा किया, मेरे को एक नकली टांग लगा हुई थी, अपने पास काम पे रखा, चार बहनों की शादी कराई, पांच मेरे भाइयों को उम्रे पे भेजा, हज भी करवाया मुझे, दाढ़ी में नहीं रखी। सुन रहे बात जी सुन लिया मैंने बिल्कुल। अभी मालूम पड़ा अपन कौन है? देखें आप बैठे हैं, तशरीफ रखें, अगर आप लोगों को कुछ खाना पीना है। तशरीफ रखे नहीं आया यहाँ पे चाचा, बहुत हो गया अभी आपका। अभी समझा दे, खामोश बैठा हूँ, तशरीफ समझा दे हम लोग यहाँ। ठीक है, आप ये जगह खाली करो, आप हमारे मेहमान हैं, आप जगह खाली करवाओ यहाँ से जल्दी। देते हैं जगह सर, बुलवा विंडो सर, करवाया बिना बुला। तेरे को इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, मैं इसको एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तेरे को मालूम है ये, इसका नाम मालूम है क्या? हसाम तड़ीपार। ये इधर का नहीं है, यहाँ क्यों आ गए भाई जब आप तड़ी बात? सुनो पूरी बात सुनी, ये दुबई का है, चार कत्ल किया दुबई वालों ने, ब्लैकलिस्ट कर दिया, तब से इसका नाम है असम तड़ी पार। तू किन बंदों से पंगा ले रहा है? ये ज़हन अंधेरा है, ये जहाँ से गुजरता है साला सब लाइट बंद कर देते हैं। अभी मेरे थप्पड़ से पर लोग घबरा भी जाते हैं, ये घबराहट के थप्पड़ से पूरी जिंदगी बंदा घबरा घबरा के घूमता है। देख रहा हूँ जहाँ पे तुम लोग नहीं कर पाओगे आप, क्या कर तो रहे आपकी जगह पे घुस के आपसे बात कर रहे हैं। पोलाइटली से बात करो, नर्मी के साथ, आपके साथ आराम ले जाओ, बात कर रहा हूँ मैं। बात सुनो यार, बहुत हो गया, आप बुला बहुत हो गया यार, बहुत हो गया। क्या चाहते हो आप? बंदो समय इधर बुलडोजर चढ़ा दें मेरे भाई? देखो यहाँ पे अगर आप बुलडोजर के नीचे आना चाहते हो, डिपार्ट से अगर आप आए हो तो आप मुझे तफसीली अपना तारुफ दे दो, आपको कोई चीज चाहिए इसके आखिरी ख्वाहिश पूछ, आखिरी ख्वाहिश कौन सा शेक पियोगे आखिरी बार? मेरे ख्याल है आप यहाँ से चले जाइए। किधर चले जाओ? किधर चले जाओ? आप यहाँ दुनिया से ना चले जाओ, कोई बात नहीं। ऐसे अंदाज में आप उनसे बात मत कीजिए। तो किस अंदाज में बात करें? फूल दे, फूल दे यहाँ पे। अगर आपने यहाँ पे खाने पीने के इरादे से आप आए हैं, चाचा की आदाब पेश करें आपको। चाचा की एक तस्वीर ले यहाँ तक, हाथ चढ़ेगा। हाँ ये तो है, देख घबराहट दिल का अच्छा है। पहले लाइव चढ़ा देते आप, देखते कैसे लगेगा। देखो चाचा आप हमसे बड़े हो, हम बदतमीजी नहीं करना चाह रहे। ठीक है आप तशरीफ रखें, हम ये चाह रहे हैं कि जो आपका स्टाफ है यहाँ से निकल जाए, ताकि जो बिल्डोजर चले ना इंसानी जान का उसमें नुकसान ना हो। दिल के अच्छे हम, भाई हमारे बहुत दिल के अच्छे, अफसोस मेरा भाई, ये जो जगह है ये हमें खुद अपनी जान से ज्यादा प्यारी है। फिर मर जाओ, फिर मर जाएंगे अगर कोई ऐसा वक्त आया तो, लेकिन मारने के बाद किसको मारोगे? आप मारो भी आएगा बीच, किसको मारोगे? जो भी बीच में आएगा। मेरे को मार सकते हो? क्यों नहीं, उठा सामान वामान, उठा सामान वामान, उठा सामान फेंक फेंक, लेके जा टेबल है, लेके जा टेबल है, लेके जा बट टेबल है निकल, नहीं नहीं वो कुर्सी उर्सी लेके जा, कुर्सी उर्सी लेके जा, कुर्सी वर्सी लेके जो भी है चलो भाई आप हटो यार, धक्का नहीं दो, धक्का नहीं दो, धक्का नहीं दो यार, में एसी नहीं है, चलो यहाँ पे सुकून से अगर बैठना है तो हटो। अरे हाथ नहीं लगाओ, हाथ नहीं लगाओ, हाथ किसको लगा रहे हो? धक्का किसको दे रहे हो? दिमाग मेरा खराब हो रहा है अभी यार, दिमाग मेरा खराब, तड़ी पार हो जाएगा यहाँ से भी, खराब हो रहा है यहाँ से भी, तड़ी पार हो जाएगा, समझा कर मार दूंगा अभी इसको। हाँ बैठ जाओ भाई, चाचा बैठ जाओ, आप मेरे से मिलाओ, क्यों बैठे हम? सबको पता है कोई नहीं आएगा, सुहेल भाई ने प्रैंक करवाए, कैमरा छुपाए हुए, कोई नहीं आएगा, सब जलते बैठो बैठो आपने सनी देओल की आदत इधर बैठ जा सबसे डर गया सर जी, मैं तो पीछे हट करने दो ना जाने के काम जाने, आपके अलावा सब जानते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सुहेल भाई नहीं करवाया हमसे ये, वहाँ पे वो कैमरा उन्होंने पहले फिट किया हुआ, हम मजाक कर रहे हैं आपसे सर। बंदों को डरा दिया हमारे, माजरा सर देखो चीर फाड़ दिया इस भाई को हमारे। सर जी आपका नाम क्या है? काशिफ का। काशिफ भाई हमें माफ कर दें, हम दिल से आपसे माजरा चाहते हैं, सुहेल भाई ने करवाया आप लोगों के रेस्टोरेंट के प्रमोशन के लिए, कैंट स्टेशन में ये रेस्टोरेंट है दी स्टेशन के नाम से, तो विजिट आप लोग जरूर कीजिएगा और आपसे माजरत चाहेंगे सर, और इंशाल्लाह आपसे फिर किसी वीडियो में मिलेंगे। लाइक कीजिएगा और आपने जरूर इस रेस्टोरेंट को विजिट करना है। थैंक यू सो मच। एक बार हजरत जी कैमरे में हाथ हिलाएं आप। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।
ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिमांड पे हमने बनाई थी, लोगों ने कहा यार ज़रा वो एग्रेसिव और बदमाशी टाइप के प्रैंक्स होते हैं उस तरह के हमें दोबारा कुछ चाहिए, तो हमने बना दिया आपके कहने पे। और किस तरह के आपको प्रैंक्स चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिसका कमेंट हमें पसंद आएगा उसके कमेंट पे हम लोग एक प्रैंक करेंगे उनके आइडिया पे और अपने नेक्स्ट प्रैंक में वो मेंशन भी करेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।